कांटा चुभ गया और क्या, और कांटा चुभने पे कोई गाना वाना नहीं निकलता मुंह से, कांटा लगा नहीं। मौशी, अरे मौशी ने गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हम चले स्ट्रॉबेरी शॉपिंग के लिए। क्या है ना कि अगर स्ट्रॉबेरी प्लक करना है तो दोपहर में नहीं, वो सुबह में या फिर शाम में, क्योंकि वो इसी टाइम पे तोड़ लिया जाता है। और हमारी हालत कुछ ऐसी है कि हम खुद ही टूटे हुए हैं यार। हम ना एकदम ऑन टाइम होते हैं, लेकिन हमारा इंटरनेट टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं कर रहा है। ये देखो क्या हो रहा है। हमारे साथ ये भी ट्रैवल करता है ताकि काम ना रुके। हम रुक जा रहे हैं इसकी वजह से, एक एक दो दो घंटे लेट हो रहा है। हमने शार्प सोचा था कि हम 11:30 तक अपने आप को प्रेजेंट कर देंगे आपके सामने, पर हमारी पंक्चुअलिटी से कुछ नहीं होता, ये इंटरनेट की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए ना। तो अगर लेट हो जाया करे हमारा वीडियो, तो आप समझ जाना कि हमारा इंटरनेट हमारा साथ नहीं दे रहा। आप लोग दे रहे हो, हम दे रहे, ये नहीं दे रहा। आ जाओ आ जाओ यार। पता नहीं हमारे वो दूसरे कैमरे में क्या प्रॉब्लम आ रही है, साउंड में प्रॉब्लम हो जा रही है। देखते हैं, यहाँ टाइम ही नहीं मिल रहा है। किसी भी चीज़ के लिए वक्त की ज़रूरत होती है, और हमारे पास बस वही नहीं है। प्यार है, खाना है, इन्वायरमेंट है, नेचर के बीच में बहुत मज़ा आ रहा है। बस एक चीज़ की कमी है, वो है टाइम। बहुत काम है यहाँ पे, बहुत बहुत काम। मैं बड़े टाइम पे आई हूँ, पूरा टूट चुका है, सिर्फ ये 3 लाइन्स बाकी है। तो मैं मेरे लिए तो लूँगी, मुझे बस 1/2 kg लेना होता है हर थोड़े दिन पे। 2 दिन के बाद मैं फ्रेश आकर तोड़ जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे ना आज पूरा तोड़ा जा रहा है, क्योंकि बाहर जाएगा, पैकिंग होएगी आज। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा सा काम कर लूँ, हेल्प भी हो जाएगा और मेरा शौक भी पूरा होगा। मैं भी सोच रही थी कि जो मैं सोचा करती थी कितना सही सोचती थी। मैं हमेशा से सोचती थी कि हम जिस पर डिपेंड करते हैं ना, किसी एक चीज़ पर, हमको वही ले डूबता है लाइफ में। जैसे मैं एक एक्टर हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ अपने एक्टिंग करियर पे। अगर मुझे वहाँ पहुँचाएगा तो एक्टिंग करियर, लेकिन मुझे डुबोएगा भी ना तो वही एक्टिंग करियर, क्योंकि मैं सिर्फ उसी पर डिपेंडेंट हूँ। और ये मुझे हमेशा खलता था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइफ में एक्सपेंशन होनी चाहिए। ये भी वो भी, ये नहीं तो वो, कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में जुगाड़ होनी चाहिए, जिसको हम ABCD ऑप्शन लाइफ में बोलते हैं। और ये मैंने प्रैक्टिकली गांव में देखा। सचिन का खेत बोलता है कि भैया वो किसी एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। उसने क्या किया है, स्ट्रॉबेरी, हाँ, इधर प्याज, उधर कैबेज, उधर ब्रोकली, उधर गेंदे का फूल, धान, ज्वार, साथ में होटल। तो एक बार क्या हुआ, मैंने ऐसे ही बोला कि अरे लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ परेशानी अभी चल रही है ना कोविड की वजह से, थोड़ा सा रहेगा। नहीं मैडम, काम बहुत है, पूरे दिन हमारे पास फुर्सत नहीं होता है। तो ये उसमें मैंने देखा कि हम जिस चीज़ को फॉलो नहीं करते, इतना एजुकेशनल बैकग्राउंड होते हुए, लेकिन किसान करते हैं, वो सभी नहीं लेकिन कुछ करते हैं। आपको क्या लगता है, आप भी शेयर करना। मतलब ये तो मैं अपनी सोच बता रही हूँ, और बहुत पहले से चलता है आ रहा है ये, कि मुझे और क्या आता है। मुझे फार्मिंग नहीं आता, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो मैं कुछ नया डेवलप कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। एक और बात है, मैंने देखा है कि जो छुट्टी होती है ना, छुट्टी तभी मज़ा आता है जब हम काम करते हैं। आराम का तभी मज़ा आता है जब हम काम करते हैं। तो मैं ना छुट्टी पर भी कभी कभी बोर हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है ऐसे काम जनरेट कर लेना चाहिए। आई एम जनरेटिंग वर्क। बहुत ट्रैवल किया है, आश्रम्स, बड़ी बड़ी जगह, और वहाँ पे ना हम लोग श्रमदान देते हैं और बहुत काम करते हैं। वहाँ एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, बट हमारा श्रमदान भी चलता है, और श्रमदान से ही आश्रम चलता है। मुझे लगता है कि श्रमदान ऐसी जगह पर भी जब हम आते हैं तो हमें करना चाहिए, और भरपूर करना चाहिए, यहाँ बहुत ज़रूरत है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ। यार अगर आप मेरी तरह स्ट्रॉबेरी के दीवाने हैं ना, तो स्ट्रॉबेरी फार्म में काम करने के पहले सोचिएगा। मतलब लिटरली हर बार तोड़ती हूँ और सोचती हूँ इधर डालूँ कि इधर डालूँ। बहुत कंट्रोल किया हुआ है, सुबह से मैंने एक भी मुंह में नहीं डाला है। हाँ मैं अच्छी एम्प्लॉई हूँ, और अच्छी नहीं, ये जो राज है ना, राजवीर छुटंकू, वो तो मेरा जीना दुभर कर देगा।
बहुत तेज है और उसी के फार्म में तो मैं काम कर रही हूँ। ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। मैंने अगर फार्मिंग की ना स्ट्रॉबेरी की, मैं एक भी नहीं बेचूंगी, मैं सब खा जाऊंगी, काट के खाऊंगी, पूरा खाऊंगी, उसको मिक्सर में ग्राइंड करके खाऊंगी। हाय कितने तरीके से खाऊंगी। चलो मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं, बस एक ही प्रॉब्लम है। ये मेरी तुड़ाई का पेमेंट था, एकदम सबसे अच्छे वाला मेरा हो गया। मेरा कर भी दिया, कब किया? अरे वाह, मुझे रेडी वाला ज्यादा चाहिए। इसमें रेडी वाला है, वही डाला है। ठीक है, 10 केजी? नहीं, 20। 20 केजी? और गया इतना और गया क्या तू? टूट के कितना कैरेट? ये 1 कैरेट गया और। अच्छा, सारा साइज मिक्स करने का? नहीं, छोटा साइज नीचे और बड़ा साइज ऊपर। ओ नहीं, अच्छे से पैकिंग होता है, छोटा साइज नीचे बड़ा साइज ऊपर। गाना भी एंजॉय करो। काटा चुभ गया और क्या, और काटा चुभने पे कोई गाना वाना नहीं निकलता मुँह से। काटा लगा नहीं, ये छोटा दिखता है, दर्द होता है भाई। दीदी बोल रही है अभी निकाला ना तो कम दर्द होगा, ज़्यादा देर अंदर छोड़ दिया तो ज़्यादा दर्द होगा। ये निकालेंगे अभी। क्या करने गई थी ऐसी बोल रही? खेत में काम। अरे मावशी रे, म्हणजे मग आमचा पोर लागतील तिला, होती लय फसवती आम्हाला। चिडल्याव एवढं टेन्शन आले तुम्हाला सांगू का? 68,000 रुपये येत थोडे। मावशी दरद पाहिजे नाही, दरद हो रहा है। निकला, निकल गया। थैंक यू डॉक्टर। माझा डॉक्टर मी येत आहे। चला हे देखो। काय मावशी बरोबर नाही रे? ए मेरे फॅशन को आजी को पसंद नाही आया। अच्छा आहे, अच्छा आहे। कहाँ पाहिजे? इकडा यहाँ पाओ। अच्छा यहाँ आजी ने बोला, यहाँ पाओ। ठीक है। आएंगे नहीं फिर? का? हम नहीं आएंगे ना संजू। जब आओ तब खाना लो, खाना लो। नहीं खाओ ना क्या? खाना खाओ और बात करो। ये है ना? हाँ, घेवड़ा। बेगड़ी? बेगड़ी, हाँ बेगड़ी, नो घेवड़ा। ये दो जगह निकाल रहे हैं, इनको मना करो ना। क्या लो खा लो। एक तो हम लोग शायद टाइमिंग देख कर नहीं आते ना, हमेशा खाने के टाइम पे टपक जाते हैं। अपना ही घर है ना। हाँ, हम क्या बताएं? ये घेवड़ी, घेवड़ी वाल वाल चपाती, चपाती। ओहो कटप्पा तेज हो गया है भाई, कटप्पा बहुत तेज हो गया है। कुछ लोग कह रहे थे ना कि गली में डॉग्स है, उनको प्लीज खिलाओ, वो भूखे होते हैं। हाँ बेटा पकड़ो। तो मैं बताऊँ आपको कि मैंने यहाँ किसी भी कुत्ते को या बिल्ली को भूखा नहीं देखा, बिकॉज वो गली के नहीं होते, वो घर घर के होते। हमारे घर पे कुत्ता है। कुत्ता है ना? खाना कौन खिलाता है? तुम खिलाते हो? ये देखो फीडर्स। तो यहाँ पे तो लोगों को समझाने की या सिखाने की यहाँ खाना वेस्ट नहीं होता है, सबके घर में थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं होता क्योंकि ये इन्हीं लोगों के लिए होता है। तो वो सारी चीजें और सारी सुविधाएं यहाँ मिलती है जो उनके ओरिजिनल नेचर को सूट करता है। हाँ, जो घर में खाते हैं वही उनको खिलाते हैं। और बिल्लियाँ तो भैया घर में अगर नॉनवेज बन रहा है, फिश वगैरह, तो उनको तो भैया उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। भाई तभी पीछे ज़रा खेत देख कर आए, हमने इतने मेहनत से खेत तैयार किया था, मूँगफली बोया था, पर रात को यहाँ डुक्कर आ गया। डुक्कर मतलब सुअर, जंगली सुअर होते ना, तो वो सारा मूँगफली निकाल कर खा कर गए। अब दोबारा से लगाना पड़ेगा। किसानों का ना ऐसे ही है, कभी नेचर परीक्षा लेते हैं, कभी ये डुक्कर। सामने तो जा नहीं सकता है, तो मालूम हुआ तो करेंगे क्या? कुछ भी कर लेते हैं, पत्थर मार के भागा देंगे, नहीं तो पटाखा बजता है ना। हाँ, तो डर के भाग जाएंगे।
मैंने अपने आप को ना आज ट्रीट दिया है, बहुत थकी हुई हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। खैर चलो बैठकर बातें करते हैं, पहले देखते हैं कि अभी मेन्यू में क्या है। गाजर हलवा खाऊंगी। गाजर का हलवा है, मिल जाएगा ना आपको? हम याद नहीं है? अभी क्या याद रखने का है ना, इतने लोग आते हैं जाते हैं। ओह माय गॉड, ऑर्डर दे दिया है एंड मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये कैसी फीलिंग है यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम दूसरी दुनिया में आ गई हूँ, जहाँ कुछ करना ही नहीं है, जहाँ आओ हॉट चॉकलेट पियो और नज़र रखो कि मैं यहाँ बैठकर आराम करूँगी। हाँ, आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ। मौशी, मेरे पास तो ऑप्शन है बट दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, उनको वही करना है। मैं इसीलिए कह रही थी, मैं इसीलिए सुबह से कह रही थी कि हमको ना लाइफ में ऑप्शंस खुले रखने चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन इन द सेंस ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, कि ये नहीं तो ये। इसी तरीके से मुझे लगता है ना, जो किसान इतना परेशान है लाइफ में, मैं तो उनके बीच में रह रही हूँ और मैं कह सकती हूँ कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, अभी फील कर रही हूँ, उनके पास भी ऑल्टरनेटिव कुछ होना चाहिए कि अगर फसल ख़राब हो गई या बारिश ने धोखा दे दिया या कुछ हो गया, तो घर में चूल्हा बंद ना हो, चूल्हा जले, खाना आ जाए। रूम नंबर 0। आप समझ गए? थैंक यू। आउटर वेस्ट हो गया। हम पहले यहाँ रह चुके हैं। इसको देखते ही मुझे मौशी और अज्जी याद आ गई। अज्जी स्पेशली, अज्जी बोल रही है मराठी में, वो लोग कुछ बात कर रहे थे, मैंने बोला क्या हुआ, मौशी ने बोला अज्जी बोल रही है ये फटा कपड़ा क्यों पहनी है, इसके पास इसका जीन्स फट गया। मैंने कहा नहीं वो अज्जी ये खरीदा ऐसे, तो एकदम बड़े आँख करके बोलती है ये खरीदा, ऐसा खरीदा, ऐसा क्यों खरीदा। उनको समझाना पड़ा कि ऐसे फटे हुए जीन्स ज़्यादा महंगे आते हैं और पूरे वाले थोड़े कम के, उनको ये आइडिया पसंद नहीं आया। चपाती और लेंगे हम। मैं खाती रही हूँ बट आई एम मिसिंग माई फैमिली, आई मीन मम्मी।